उपस्थित सभी लोगों को मेरा स्वागत प्रणाम। आज मैं आप सबके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारतीय रेल की जंगल बुकी। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि आप सभी से कितने लोगों ने भारतीय रेल की जनरल बोगी में यात्रा की? जनरल बोगी में स्लीपर की बात नहीं हो रही है, बहुत कम लोगों ने। लेकिन इस कविता के द्वारा आप ये अनुभव कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है मेरी यह कविता, भारतीय रेल की जनरल बोगी। पता नहीं आपने बोगी की नहीं बोगी। एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा और स्टेशन पर एक सवारियों की मार का हमारे पसीने छूटने लगे और हम झोला खाकर घर की तरफ कूदने लगे। उतने में कुली आया, मुस्कुरा कर बोला, अंदर जाओगे? हमने बोला, तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 रुपया। हमने बोला, 50 रुपया? वो बोला, जी भैया, 2 रुपए आपके और बाकी सामान के। हमने कहा, यार सामान तो नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, बापूजी आप किस सामान से कम है, भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बता। हमने बोला, देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो ले गया। हाँ जोर कर बोला, बाबूजी आपको तो भगवान नहीं खा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, उठाते उठाते खुद को दर्द हो जाएंगे। कभी काटे सीखे भी हम झोला खाकर भाग, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। दिलसे का दृश्य और भी घमासान था, पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे और जिनको जगह ना मिली वो बैठ के नीचे पड़े थे। अब हमने एक गंदे यात्री से पूछा कि भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए बनाइए। वो बोला, आइए हमारी खोपड़ी में बैठ जाइए, आप ही ने तो साथ की है। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा और आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर आ गिरा। अब गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल कर बोला, अकेले बोरा नहीं है, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर जाने का यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो भी एक ही में घबरा रहे, अभी सड़क है तो जाइए, गद्दे में लिपट कर हमारे पिता के अंदर आ रहे। अभी सज्जन फर्श पर बैठे थे आठ बूंदे, उनके सिर पर पड़ी पानी की गरम गरम बूंदे। वे सिर उठाकर चिल्लाए, कौन है? कम्बक पानी गिरा कर मौन है, दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर की बस से आवाज आई, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेता है। तभी डिब्बे में बड़ी जोरदार हल्ला हुआ, एक सज्जन चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। किसी ने पूछा, क्या हुआ? सज्जन बोले, हाय हाय मेरा बटवा, किसी ने भीड़ में मार दिया, पूरे 300 से नीचे उतार दिया, टिकट भी उसी में था। एक पड़ोसी बोला, रहने दो भूमिका मत बनाओ, टिकट ना दिए हो तो। हाँ
में मिलाओ। बटवाधारी बोला, नहीं नहीं भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, विश्वास कीजिए मैं टीचर हूँ। कोई बोला, इसीलिए तो झूठ है, टीचर के पास और बटवा, इससे अच्छा मजाक इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अब टीचर बोले, कैसा इतिहास, मेरा विषय तो भूगोल है। तभी एक विद्यार्थी चिल्लाया, बेटा इसीलिए तुम्हारा बटवा गोल है। फिर अचानक गाड़ी में बड़ी जोर से कोई किसी के मारे चिल्लाया, अरे चली देखो चली। दूसरा बोला, जय बजरंग बली। तीसरा बोला, या अली हमने कहा काहे के लिए और काहे की बली, गाड़ी तो बगैर सारी चली और तुमको अपनी जल्दी नजर आ रही। तो दोस्तों, इस दुनिया में सब नजर का धोखा है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, ये हमारी जिंदगी है, और हमारी जिंदगी में धोखे के सिवा और क्या होता है। धन्यवाद।